हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस वीडियो में। आज मैं निकली हूँ मम्मी के वहाँ, मम्मी के घर जा रही हूँ, लेकिन पता नहीं है क्या क्या काम है, तो बस ऐसे ही निकली हूँ। और क्या वीडियो बना रही हूँ वो भी नहीं पता, तो देखते हैं आगे मुझे क्या क्या करने को मिलता है, तो बने रहे मेरे साथ। तो दोस्तों, अभी मैं आई हूँ मेरी बुआ के यहाँ पे, तो दिखाते हैं यहाँ का व्यू। तो ये है मेरी बुआ का घर। तो ये कालू है, रॉकी, और ये है जैक। तो हम लोग आज ऐसे ही यहाँ घूमने के लिए आए हैं इनसे मिलने के लिए। तो कल भाभी लोग धान काटे हैं और आज उसका मलाई हो रहा है, धान निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे ट्रैक्टर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं मस्ती कर रही थी। मेरा दोनों भाभी लोग बहुत ही मज़ेदार है, उनके साथ बातें करने बैठे तो मज़ा ही आ जाएगा, कब टाइम बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो ये देखिए, धान, इतना सारा धान निकाल दिए हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये है गोल मिर्च का पौधा, अभी ये हरा हरा ही है, बहुत सारा फल लगा है गोल मिर्च का और ये एकदम ऊपर तक लगा हुआ है। वैसे ये है आम का पेड़, इसी पेड़ में बुआ लोग लगा के रखे हैं, नीचे लगाए ताकि वो ऊपर क्लाइम करते हुए ऊपर जाए। और ये देखिए, ये अभी हरा ही है, जब ये पक जाएगा तो थोड़ा सा लाल रंग का हो जाएगा। ओह, ये मुर्गा लोग मेरे को देख के भाग रहे हैं, सब डर के भाग रहे हैं। डर भी नहीं है उसको। तो अभी मैं घूम रही हूँ मेरे बुआ लोग का खेती में, यहाँ लो धान लगाए हुए हैं, कुछ तो पक गया है और कुछ पकना बाकी है। कटाई का समय है और बारिश गिर रहा है अभी, तो मेरी बुआ इधर ही है कहीं पे, तो मैं उसके ढूंढते हुए जा रही हूँ। ओह, इनका झोपड़ी। ओह पप्पू, हो तो बेरी भी लगा है, बेरी फल गया है, कच्चा है। अम्मारी, अम्मारी, अम्मारी। पका तो नहीं है। पप्पू, चली गई। तो यहाँ पे है केला का बगीचा, फूफू यहीं पे है अंदर में काम कर रही है। और यहाँ पे कुछ कुछ सब्जी भी लगा के रखे हैं, लौकी फला है। यहाँ पे गाय बैल को बांधते हैं। ये देखो बकरी कहाँ से घुसा है, यहाँ से घुसा है, देखा इतना छोटा सा, ज्यादा से घुस जाएगा। हाँ। मजेदार हुआ है, गाद लगेगा बेटा, पकड़ ली। तो ये है केला का फूल, बुआ इसको तोड़ के दी हम लोग के लिए, और इसको हम लोग घर जाके इसका सब्जी बनाएंगे और खाएंगे, बहुत ही टेस्टी सब्जी है। तो मुझे इतने सारे बेरी मिल गए, और ये देख सकते हैं आप, यहाँ बेरी का पेड़ है, फल लगा है, अभी पकने शुरू नहीं हुआ है, एक दो पक रहा है, और कुछ दिन बाद बेरी खाने भी मिलेगा। ये है शरबती नींबू, ये बड़ा बड़ा नींबू रहेगा, इसको शरबती नींबू बोलते हैं। थलो मामी, थलो हाँ ना, नीचे था ना एक ठुक, सही में तोड़ना। अब कौन सा वाला हुआ है नहीं हुआ हमको तो नहीं पता, इतनी बड़ी बड़ी नींबू, इस तरह वाला रहेगा ना, थोड़ा पीला पीला ना। मम्मी आओ, आने तो पकड़ो, आ तो ये तरफ। कौन से तोड़ना नहीं तोड़ना हमको समझ में नहीं आ रही है ना।
बस है। अयो ये वाला एक तो तोड़ देता। ये पकने से क्या होता था? वैसे ये नींबू नॉर्मल नींबू से ज्यादा टेस्टी होता है शरबत के लिए। बढ़िया निकल गया। ए जैक, जम करो ना जैक। जैकू, जैक, जैक, बैठ रहा है क्या तुम? सुनाई नहीं देता। तो दोस्तों अभी मैं वहां जाने वाली हूँ सामने, उस पार समुद्र के वहां पे, क्योंकि मम्मी बता रही थी कि वहां पे बेड़ा निकला हुआ है, दो बेड़ा निकला है, वो भी बंबू का बना हुआ है। तो वहां जाके देखेंगे, आपको दिखाएंगे वहां का नजारा कैसा है। बेड़ा कहा जाता है कि ये बर्मा का है वैसे, तो वहां जाने के बाद ही पता चलेगा कैसा है क्या है करके, यहाँ क्योंकि मेरे घर के पास से यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो हम लोग भी पहुंच ही गए हैं। वैसे दो बेड़ा निकला है, मम्मी और मैं और मेरा डॉगी गैग भी आए हैं बेड़ा देखने के लिए। दो दो बेड़ा है, बड़ा बड़ा बेड़ा। सही चटाई बना है? सही चटाई है? पूरा मच्छी का स्मेल आ रहा है, पूरा मच्छी मच्छी है, अगल बगल सराउंडिंग में केवल मच्छी ही दिख रहा है। बहुत बड़ा है वैसे, रस्सी देखो। वैसे भूसी झींगा, छोटा छोटा जो झींगा होता है वो, और सूखा मच्छी भी है यहाँ पे। हम भी इसमें चढ़ने जाता, चढ़ के आएगा। वही तो हम लोग लेट से पहुंचा। तो अभी हम लोग चढ़ के देखते हैं बेड़ा में। बहुत हल्का है। ओ ओ ओ वैसे देख सकते हैं ऊपर। बहुत मेहनत लगा होगा इसको बनाने के लिए। अम्मी आप लहर देख सकते हैं, कितना भारी लहर आ रहा है। इसी वजह से ये सब भी वहां से बह के इधर आ गया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत बड़ा है ये बोट, ये बेड़ा है। हम लोग लोकली इसे बेड़ा बोलते हैं। ये बोट है और ये बहुत बड़ा है, और ये जो आप देख रहे हैं बहुत मेहनत से बनाए हैं ये लोग, क्योंकि इसमें रस्सी लपेटा जाता है, रस्सी के लिए ये बना हुआ है। बहुत मेहनत की है। ऊपर भी आप देख सकते हैं, ऊपर भी बहुत बंबू फाड़ के बहुत बढ़िया से घुमा के रखा है, एकदम अच्छा से चटाई के टाइप लग रहा है। वो बहुत भारी हल्का है, बहुत ज्यादा कि कितना भारी हवा चला होगा तब जाके इतना बड़ा बोट यहाँ पे आके पहुंचा है। और वैसे ये हमेशा ही होता है, साल में हम लोगों को एक बार तो ऐसा देखने को हमेशा मिलता है, यहाँ पे हमेशा ही निकलता है, बह के आता है ये सब बेड़ा। और ये है वैसे बर्मा का, बर्मा से आया वाला बेड़ा है। हिलता हिलता है पूरा। झटका मारेगा अभी। फिर आता है। हाँ क्या कहो? ओ हाँ मम्मी पकड़ो पकड़ो, अच्छा है सही में। बहुत भारी लहर है इसीलिए ये बेड़ा पूरा बह के इधर आ गया। आप हलचल देख सकते हैं समुंदर का, बहुत ही भयानक लग रहा है। अगर यही कंडीशन बीच समुंदर में होता तो पता नहीं इंसान का क्या हालत होता। वैसे कोई इंसान नहीं था इस बेड़ा में, वैसे दो दो बेड़ा निकला है यहाँ समुंदर में, देख सकते हैं। और एक वहां पे है। ओ ये तो लहसुन सब भी है, लहसुन है, चटाई भी है। हवा आता था तो छोड़ के चले गए।
ठीक है। अरे बाप रे, भूसी झींगा लेके जाएगा। लगता है कि इंसान लोग भूसी झींगा पकड़े थे वहाँ बर्मा वाले, और ये बस्ता के अंदर में भूसी झींगा है। छोटा छोटा जो झींगा होता है वो है, बहुत स्मेल कर रहा है। और यहाँ चटाई भी है पक्का, इसके अंदर आराम से बैठ के लोग खाना वाना बना के खाते थे। चलो उस तरफ देखता हूँ। ओह नजारा देखिए अब यहाँ का। बहुत भारी हल्का आता है। इसके ऊपर लोग बता रहे थे कि ऊपर में भी मच्छी सुखाने के लिए बनाए हैं इसको, ऊपर पूरा जाल था। ये जो ब्लू कलर का आप देख रहे हैं वो जाल था, मच्छरदानी था पूरा फैला, ऊपर सुखा के रखे थे मच्छी। ये शायद बैग यहाँ बहुत जोर हवा तूफान के वजह से ये बैग के यहाँ तक पहुंच। वैसे अभी जहाँ मैं हूँ ये है करमटन का एरिया, वही तो कितना अच्छा सा बंबू फाड़ फाड़ के। अभी काफी सारे लोग आ रहे हैं यहाँ देखने के लिए। बहुत जन को अभी अभी पता चला कि यहाँ बेड़ा निकला हुआ है, इसीलिए बहुत सारे लोग अभी आ रहे हैं। बहुत भारी हल्का है। इतना सारा झींगा मच्छी सब वेस्ट हो गया, ऐसे ही पड़ा है सब समुद्र किनार में। पूरा बेड़ा में वैसे केवल मच्छी ही था, सूखा झींगा और मच्छी। तो अब बेड़ा देखना हो गया है और मौसम भी बदल रहा है, बहुत खराब बारिश आने वाला है, तो हम लोग चले घर के लिए। यहाँ गाड़ी हम ऐसे रोड में रखी है, बादल एकदम काला हो गया है, तो फटाफट घर जाएंगे। इसके बाद फिर लंच करेंगे, फिर घर के लिए निकल जाएंगे। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आप सबको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और हाँ कमेंट करना ना भूल। मिलते हैं इसी तरह के नए नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।